जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में। यद्यपि यह कथा बहुत विस्तार से बताई गई है शिव महापुराण के अंदर, हम भी आपको ये कथा बताने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। कई प्रश्न हो सकते हैं मन के अंदर, कई प्रश्न आ सकते हैं, परंतु ये शिव कथा शिव की महिमा है, पुराणों की एक विशेषता है। हर एक पुराण के अंदर उस जब परम तत्व की चर्चा की गई है, अगर विष्णु पुराण है तो उस परम तत्व को, उस परब्रह्म को परब्रह्म ही बताया जाता है, लेकिन प्रतिबिंब के रूप में, मूर्ति रूप में उसे विष्णु कहा जाता है, उसे शिव कहा जाता है, शिव पुराण में उसे शिव कह दिया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उस परम तत्व को विराट कह के संबोधित किया गया है। संपूर्ण सृष्टि उसे विराट से हुई। इसी प्रकार से शिव महापुराण वेदांत प्रधान पुराण है, अर्थात वेदांत दर्शन, वेदांत शास्त्र की प्रधानता इसमें है। शिव महापुराण ब्रह्म से ही सृष्टि की बात करता है। कथा क्या आती है, स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं को सृष्टि निर्माण और प्रकृति के प्रादुर्भाव की कथा सुनाते हैं, और उससे पहले कि किस प्रकार से सृष्टि हो, कैसे होती है, शिव कैसे प्रकट हुए, शिव का प्राकट्य कैसे, विष्णु का प्राकट्य कैसे, और उस प्रकृति रूपी देवी का प्राकट्य कैसे होता है, उसकी मार्मिक और रहस्यमय कथा ब्रह्मा जी देवताओं को सुना रहे होते हैं। यद्यपि कथा लंबी है, हम आपको इसके जो मुख्य बिंदु हैं इस कथा के, उसका विस्तार करते हुए हम इस कथा को श्रवण कराते हैं। तो ब्रह्मदेव देवताओं को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवताओं, जब संपूर्ण सृष्टि का लय प्रकृति में हो जाता है तो उसी को प्रलय कहते हैं, अर्थात संपूर्ण सृष्टि जो है प्रकृति के अंदर जाकर लय हो जाता है। अर्थात अब फिर से मैं आपको सांख्य शास्त्र, पुराणों को आप पढ़ेंगे तो सांख्य शास्त्र से आपको सबसे अधिक उदाहरण उसमें मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिस काल में पुराणों की रचना हुई वह काल सांख्य शास्त्र का ही काल था, सांख्य दर्शन का काल था, इसको पढ़ने से पता चल जाएगा। यही कारण है कि सांख्य की जो विकासवाद का सिद्धांत है बार बार पुराणों के अंदर मिलता है, उसका आधार लिया जाता है बातों को बताने के लिए। तो ब्रह्मदेव देवगणों को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवगणों, हे देव शिरोमणि, जब संपूर्ण सृष्टि का लय हो गया प्रकृति की साम्य अवस्था में, तो प्रकृति की साम्य अवस्था बचती है, उस समय कोई विकास का कार्य नहीं होता और प्रकृति भी विलुप्त हो जाती है, और तब जाकर ना ग्रह नक्षत्र रहते हैं, ना सूर्य आदि रहते हैं, ना यह पृथ्वी रहती है, ना जीव जंतु रहते हैं, कुछ नहीं रहता। क्या रहता है? चारों तरफ एक ही सत्ता रहती है, तत्सद ब्रह्म, उसे तत्सद ब्रह्म के नाम से कहा गया है। सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष रहता है, यह वह ऐसा जो कृत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भाव भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वैसे उस सत्य को कोई नहीं जान सकता, मात्र योगी ही उसे देख सकते हैं। वह सत तत्व मन का विषय नहीं है, वाणी का भी वहां तक कोई पहुंच नहीं है। वह नाम तथा रंग रूप से भी शून्य है, वह ना स्थूल है और ना ही सूक्ष्म है, ना हर्ष्व, ना दीर्घ, ना लघु, ना गुरु,
उसमें ना कभी वृद्धि होती है ना ह्रास होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है इतना ही कहती हैं, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती हैं, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती हैं श्रुतियां भी। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम अप्रमय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य अर्थात योगियों के द्वारा अनुभव गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वैत अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है, उसे ही परब्रह्म जानो। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं अर्थात बताए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की अर्थात अद्वैत से द्वैत होने की इच्छा प्रकट की। उसने स्वयं को ही प्रतिबिंबित करने लगा, जैसे स्वयं को ही प्रतिबिंबित करना, आप खेल देखते हो ना, एक बच्चा था वो अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे घुमाता था तो कभी कुत्ते की आकृति बन जाती तो कभी जो है चिड़िया की आकृति बन जाती मोर की आकृति बन जाती, वो उंगलियों को ऐसे ऐसे घुमाता तो उंगलियों की परछाई पड़ती और उस परछाई से उस परछाई में ऐसी ऐसे विभिन्न आकृतियां ऐसे लगता कि जैसे सचमुच कोई कुत्ता है वो उंगलियों को इस प्रकार से करता। तो ये ब्रह्म का खेल है, ब्रह्म स्वयं को ही प्रतिबिंबित करता है, उसके लिए खेल है सब कुछ। तो जिसमें कभी इच्छा नहीं होती उसके प्रतिबिंबित होने की इच्छा हो गई अर्थात द्वितीय की इच्छा प्रकट हो गई, और जब द्वितीय की इच्छा प्रकट हुई तो वह परब्रह्म ने ही उस परब्रह्म का जो मूर्ति रूप है, उस परब्रह्म का जो प्रतिबिंबित रूप है, उस परब्रह्म का जो साकार रूप है, उस परब्रह्म का जो गुणमय रूप है, वो सदा शिव है, वो सदा शिव है। इसलिए शिव सदा शिव है, वो स्वयं ही ब्रह्म है, वो स्वयं ही ब्रह्म है। तो यहां पर मूर्ति रहित होकर वो परब्रह्म है और मूर्ति रूप होकर वो सदा शिव है, वो भगवान सदा शिव है। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार शिव के बारे में, शिव के प्राकट्य के बारे में कहा कि वो कहीं से नहीं आए, इसलिए वो सर्वदा अजन्मे हैं, वो सर्वदा भी हैं, हमेशा से उनका अस्तित्व है, हमेशा से वो हैं रहेंगे, इसलिए उनको अजन्मा कहा जाता है। उनका जन्म नहीं होता इसलिए उनके जन्म का की कोई कथा नहीं, उनको किसी ने बनाया नहीं है इसलिए वो स्वयंभू हैं। ये शिव महापुराण के रुद्र संहिता की प्रारंभ की कथा है, उनको किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं से निर्मित हैं। अपनी इच्छा से ब्रह्म ने इच्छा की स्वयं को प्रतिबिंबित करने का, और जब उसने स्वयं को प्रतिबिंबित किया तो किस रूप में किया, सदा शिव के रूप में किया। इसलिए शिव साक्षात ब्रह्म है। शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवोहम 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 शिवोहम, आदि गुरु शंकराचार्य ने निर्वाण अष्टकम में कहा। क्यों शिवोहम? क्योंकि शिव ही ब्रह्म है, शिव ही ब्रह्म है। तो भगवान सदा शिव, ना उनका जन्म है और ना ही उनको कोई जन्म देने वाला है, उनको कोई बनाने वाला है, वो भगवान सदा शिव स्वयं ही परब्रह्म है, और स्वयं को परब्रह्म की अपनी प्रतिबिंबित होने की जो इच्छा है, जो संकल्प है, जो प्रकट हुई, उसी ने, उस ब्रह्म ने स्वयं को सदाशिव के रूप में प्रतिबिंबित कर लिया। उस ब्रह्म ने, वह जो सर्व प्रकाशक है, चिन्मय है, सर्वव्यापी है, अनंत है, अद्वितीय है, अनादि है, उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं,
अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदा शिव ने अपने विग्रह से स्वयं की स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, अपने ही स्वरूप भूता जो उन्हीं का स्वरूप है, उनसे अलग नहीं है। अब यह शिव जो है ये भेद से परे हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, ना नर का भेद है ना नारी का भेद है। मत सोच लेना कि उनका नाम शिव है तो फिर वो नर हो गए, नहीं, अपनी ही स्वरूप भूता प्रकृति की सृष्टि उन्होंने की, शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया, अर्थात यहां बुद्धि तत्व का प्रादुर्भाव हुआ शिव के द्वारा प्रकृति के संयोग से। अब यहां पर एक चीज और है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है तो सब कुछ तो ब्रह्म से ही होते जा रहा है ना, तो प्रकृति वास्तव में वही प्रतिबिंबित विकास क्रम है जो कि बुद्धि के रूप में प्रस्तुत होती है, और वो शिव से ही निकली क्योंकि सब कुछ ब्रह्म से निकला है, तो वो शिव से ही उसके विग्रह से, सदा शिव के विग्रह से जो उनके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं है, वही शक्ति है, उसी के अंदर गति है, उसी के अंदर कर्म शक्ति है, वही विकास करेगी, वह त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण भी है, वो स्वयं मूल कारण है, इसलिए प्रकृति साम्य अवस्था में। तो यहां पर यद्यपि उस प्रकृति को अब आगे क्या लिख रहे हैं, सदा शिव के द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की आठ भुजाएं हैं, अर्थात अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति वेदांत शास्त्र के अंदर पुर्यष्टक का नाम आता है, इस जीव का नाम का निर्माण आठ अंगों से हुआ है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पंचभूत, पंच तन मात्राएं, चार अंतःकरण, इस प्रकार से करके आठ शक्तियां हैं जिससे कि ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है। उन आठ शक्तियों का नाम वेदांत शास्त्र के अंदर और आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में उन आठ अंगों का नाम लिखा है, इसलिए यहां पर आठ भुजाएं। वो अष्ट भुजाधारी क्यों है, अष्टधा प्रकृति के कारण, और वो अष्टधा प्रकृति को मिलाकर ही पुर्यष्टक का निर्माण होता है, और वह पुर्यष्टक ही सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो पुर्यष्टक है। पूरी सूक्ष्म शरीर को पुर्यष्टक भी कहा गया है, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा गया है शास्त्रों के अंदर। तो समझिए कि बुद्धि तत्व की जननी साक्षात देवी का प्रादुर्भाव हुआ जो उस सदाशिव के साथ हमेशा रहने वाली है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर के नाम से जानते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं, उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं, उनके पांच मुख हैं, इसीलिए उनका नाम पंचानन है। पांच मुख सृष्टि के पंच मुख हैं, पंच तत्वों से वो इस महान सृष्टि को, प्रकृति का आधार लेकर इस महान सृष्टि को करते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है, वो दस भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी, उनके श्री अंगों को प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है, वे अपने सारे अंगों से भस्म रमाए रहते हैं। इसे काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण कर दिया, और यह शिवलोक ही काशी के पुरी के नाम से भी बाद में प्रसिद्ध हुआ। फिर आद्या शक्ति और शिव और शिवा के मन में एक विचार आया, एक इच्छा और प्रकट हुई शिव के मन में कि हम इस आनंद वन में रमन करते हुए इस मन की इच्छा के अंदर एक नवीन पुरुष के जन्म की कल्पना हो रही है। शिव ने आद्या शक्ति से कहा, माता अंबिका से कहा, इच्छा हो रही है कि मेरे समान कोई और अन्य भी होना चाहिए, मैं यहां अकेला ही हूं, तुम भी मेरा ही अंग हो, इसलिए तुम भी मुझसे अलग नहीं हो, लेकिन एक ऐसी सृष्टि, एक ऐसी शक्ति जो बिल्कुल मेरे समान हो, उसमें और मुझ में कोई भेद ना हो।
बिल्कुल मेरे समान हो, उसमें और मुझमें कोई भेद ना हो, और वह मेरे समान ही सृष्टि करने का सामर्थ्य भी रखता हो, पालन करता भी हो, और वही स्वयं संहारक भी हो, और हम इस प्रकृति का संपूर्ण दायित्व उस पर छोड़कर इस आनंद वन में भ्रमण कर सकें। हे देवी, मेरे मन में ऐसी सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हो रही है। और तब उस समय कहते हैं कि शिव की इच्छा से, शिव की इसी तीव्र इच्छा से उनके वाम भाग पर उनके मन में जब ये संकल्प पैदा हुआ तो कहते हैं कि ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर थे। वह शांत थे, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर थे। मुने क्षमा नामक गुणों से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती है। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी, उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छटक रही थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे, श्री अंगों पर सुवर्ण सी कांति वाले दो सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित ना होने वाले वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहे थे। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को कहा कि हे स्वामी, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए, क्योंकि आप मेरे जनक हैं, आपने मुझे जन्म दिया है। शिव ने कहा कि हे वत्स, व्यापक होने के कारण, कण कण में तुम्हारा वास होने के कारण तुम विष्णु नाम से विख्यात हुए। हे विष्णु, हे श्री विष्णु, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, हम दोनों अलग अलग होकर भी एक हैं, हम एक हृदय हैं, इसलिए तुम में और मुझ कोई भेद नहीं है, और ना ही कभी ऐसे भेद के बारे में किसी के मन में विचार आना चाहिए। तुम में और मुझ में भेद करने वाला व्यक्ति कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं हो पाएगा, उसका कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए हे श्री विष्णु, आप स्वयं मेरे समान हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। बहुत रहस्यमय बात है ये। आप देखें यहां पर क्या लिखा जा रहा है। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 6 अध्याय में जब भगवान विष्णु के प्राकट्य, भगवान शिव के द्वारा विष्णु के जन्म की कथा जब यहां पर लिखी जा रही है, तो शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लग गए। शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो, वो भी अपना रमण करने चले गए। लेकिन श्वास मार्ग से वेदों का ज्ञान प्रदान किया, और आज भी अगर तुम वेदों को समझना चाहते हो तो वही मार्ग है, श्वासों का मार्ग अपना लो, श्वासों की परंपरा अवस्था में चले जाओ, साधना का वो अवस्था जहां पर ये श्वासें भी स्थिर हो जाते हैं, यही तो प्राणायाम का उद्देश्य है। श्वासो प्रश्वासो गतिर विच्छेद, जहां पर तुम इन श्वास प्रश्वास के अंदर ध्यान लगाओ। विज्ञान भैरव तंत्र की साधना क्या कहती है, श्वासें जहां पर जाती हैं और जहां से मुड़ती हैं वहां ध्यान लगाओ, फिर तुम बाहर निकालते हो, फिर श्वासें लेते हो, अंदर जाती हैं और ठीक जहां से मुड़ती हैं वही तो कुंभक है, स्वकुंभक सिद्ध हो जाएगा, बाहर से श्वासों को रोकने की जरूरत नहीं है। ध्यान करते करते अपने आप मन स्थिर हो जाएगा, प्राण भी स्थिर होने लगेंगे, इंद्रियां भी स्थिर होने लगेंगी और श्वासें भी स्थिर होने लगेंगी, तो वेदों का प्रकाश प्रकट होगा, वेदों का रहस्य घट के भीतर ही प्रकट होगा, तुम वेदों को जान पाओगे। इसलिए वेद किसने लिखे, वेदों के रचयिता कौन है, मीमांसा शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। मीमांसा शास्त्र कहता है कि वेद अपौरुषेय हैं, वेदों को किसी ने आज तक नहीं लिखा, कोई उसका लेखक नहीं है, कोई उसका रचयिता नहीं है,
बाहरी ग्रंथों के लिए कहा जाता है, कुरान के लिए, बाइबल के लिए, उसे स्वयं भगवान ने लिखा, गॉड ने लिखा, अल्लाह ने लिखा, लेकिन वेदों को किसी ने नहीं लिखा। ना ईश्वर ने लिखा, ना भगवान ने लिखा, ना विष्णु ने लिखा, ना शिव ने लिखा, किसी ने नहीं लिखा। वेद कैसे आए? योगियों ने श्वासों को अपना मार्ग बनाकर अपने हृदय में उतरे, उस सूक्ष्म लोक की यात्रा उन्होंने की और अपने हृदय के अंदर तीव्र ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में जो उन्होंने अनुभव किया, उन्हीं अनुभवों को वेदों में लिखा। जो उन्होंने जिन जिन लोकों का अनुभव किया, जिन जिन शक्तियों का अनुभव किया, जिन जिन तत्वों का अनुभव किया, उनसे ही, उस अनुभूति से ही वेदों का निर्माण हुआ है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि शिव ने श्वास मार्ग से विष्णु को वेदों का ज्ञान कराया, ज्ञान प्रदान किया, और उसके बाद विष्णु ने कठोर तपस्या की। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वो ब्रह्म रूपी जल सर्वव्यापी था और पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वन, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूं, सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रकृति से महत तत्व प्रकट हुआ, महत तत्व से तीनों गुण, इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से पांच तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से पांच भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई, इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए और इसलिए उनका नाम हुआ अनंत शयनम। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।